दोस्तों नमस्कार, आदाब, सलाम। आप देख रहे हैं हमारा अटारी ब्रदर यूट्यूब चैनल। जिन दोस्तों ने, जिन भाइयों ने हमारा चैनल अटारी ब्रदर सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर ले और घंटी के बटन को भी प्रेस कर ले, जिससे नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वजन घटाने के लिए, पेट की चर्बी कम करने के लिए इसका उपचार। हमारे माताएं, बहनें, भाई, ये बहुत मोटे मोटे पेट हो जाते हैं इनके, इनको चलने में भी परेशानी होती है, चलने में सांस चढ़ने लगता है, कुछ काम भी नहीं कर पाते, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो उनके लिए आज हम एक पाउडर आरोग्य चूर्ण, बहुत ही अच्छा चूर्ण है, लेकर आए हैं। जो भी बनाएगा उसका बहुत कम समय में जल्द से जल्द पेट की चर्बी कम हो जाएगी, मोटापा कम हो जाएगा। तो मोटापा कम करने के लिए आरोग्य चूर्ण, इसका परिचय तो हम आपको नाम से ही पता चल गया होगा, आरोग्य चूर्ण मोटापा कम करने के लिए। यह है, मोटापे को कम करता है और शरीर को शक्ति प्रदान करने वाला है, स्वास्थ्य की रक्षा करने वाला है। इस योग का नामकरण बहुत ही सोच समझकर किया गया है, क्योंकि यह योग अनेक रोगों और शारीरिक विकृतियों को दूर करने का, निसंदेह आरोग्य का वर्धन करता है। शरीर में जितनी भी विकृतियां हैं, जितने भी रोग हैं, उन सभी को दूर करता है, ये निसंदेह है। पेट की चर्बी को बहुत जल्द कम करता है और एक दो महीने में ही आप जो आपका पेट पर चर्बी चढ़ी हुई है वह नॉर्मल हो जाएगी। आप इसका प्रयोग करेंगे तो निसंदेह आप बहुत ही खुश होंगे। इसके लिए आज भी यह योग आयुर्वेद चिकित्सा में वेदों का प्रिय योग है, विश्वास भाजन बना हुआ है। इसके जो द्रव घटक हैं, इसके घटक जो हैं, यह किन किन जड़ी बूटियों से मिलकर बना है, इसमें क्या क्या दवाई है, हम आपको बताएंगे। जिन दोस्तों ने, जिन भाइयों ने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो पहले सब्सक्राइब कर ले। ये जो नीचे सब्सक्राइब वाला बटन है, प्लीज इसको सब्सक्राइब करें और इस चैनल को हमारे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे दूसरों का भी फायदा हो। तो आरोग्य चूर्ण जो है, इसके जो घटक हैं, इसमें सबसे पहले आपको शुद्ध गंधक लेना है। शुद्ध गंधक आपको 10 ग्राम लेना है और सहस्त्रपुटी लोह भस्म, यह आपको वैद्यनाथ की मिल जाएगी, वह आपको 10 ग्राम लेनी है। अभ्रक भस्म, यह भी आपको वैद्यनाथ की मिल जाएगी, यह भी आपको 10 ग्राम लेनी है। और शुद्ध गंधक, यह भी आपको वैद्यनाथ की ही मिल जाती है, यह भी आपको 10 ग्राम लेना है। और ताम्र भस्म, यह भी आप वैद्यनाथ की अच्छी कंपनी की लें, यह लेनी है आपको 5 ग्राम। और त्रिफला, त्रिफला आपको 30 ग्राम लेना है। ताम्र भस्म, ये आपको 5 ग्राम की जगह आपको 10 ग्राम लेनी है, ये 5 ग्राम बताया गया गलती से, तो आपको ताम्र भस्म भी 10 ग्राम लेनी है। सभी दवाइयां ये आपको 10-10 ग्राम लेनी है। और त्रिफला चूर्ण आपको 300 ग्राम लेना है। और फिर शुद्ध शिलाजीत आपको 30 ग्राम लेनी है। शुद्ध गूगल, यह आपको पंसारी से मिल जाएगी, गूगल का लाएं, इसको पानी में घोल ले और फिर इसको निथार ले, जो नीचे बचेगा वो गूगल बचेगा, इसकी गंदगी सब पानी में धुल जाएगी। वह शुद्ध गूगल आपको 40 ग्राम लेना है। और चित्रक मूल की छाल, एक चित्रक पौधा होता है, उसकी जड़ की छाल लेनी है, सूखा कर इसको पाउडर कर ले, और ये भी आपको 40 ग्राम लेनी है। कुटकी, ये आपको 60 ग्राम लेनी है। इन सभी को
कूट पीस कर सभी को एक जगह मिक्स कर लें और जो भस्मे हैं, शुद्ध गंधक है, लोह भस्म है, सहस्त्रपुटी अभ्रक भस्म है, ताम्र भस्म है, ये सब बाद में मिलाएं। और त्रिफला चूर्ण 300 ग्राम, शुद्ध शिलाजीत, शुद्ध घुग्गल इन सभी को, और चित्रक जड़ की छाल 40 ग्राम कुटकी, ये सभी को पहले मिला ले और भस्मे बाद में मिलाकर अच्छी तरह से मिक्स करके आप रख ले। और नीम के पत्तों का रस 3 दिन तक खरल इसमें खर डालते रहें और खरल करते रहें और सुखाते रहें। जब 3 बार इसको तर और खुश्क कर लोगे फिर आपका आरोग्य चूर्ण तैयार है। यह आपका बहुत ही अमूल्य, इसकी कोई मूल्य नहीं, ऐसा एक आपका आरोग्य चूर्ण तैयार हो गया जो आपको बहुत ही लाजवाब रिजल्ट देता है। यह पेट की चर्बी को कम कर देता है, शरीर पर जो फालतू चर्बी है उसको भी कम कर देता है। इसकी मिकदारे खुराक भी हम आपको बताएंगे, इसका उपयोग कहे कैसे कैसे किस किस कैसे कैसे होता है इसका भी हम पहले आपको जानकारी दे दें। यह जो आरोग्यवर चूर्ण है यह वात के रोग, पित्त के रोग और कफ के रोग, जितने भी रोग हैं इनसे संबंधित, मोटापा हो, चर्बी हो या कुछ भी परेशानी हो, उसके लिए बहुत ही रामबाण है। तीनों दोषों में ये काम करता है। कुष्ठ रोगों की भी ये एक प्रसिद्ध औषधि है। जैसे किसी को दाद, खाज, खुजली, सोरायसिस, चंबल या सफेद दाग, उसमें भी है बहुत ही अच्छा काम करता है। यह पाचक है, पाचन क्रिया को ठीक करता है, दीपन है, पथ्यकारक है, हृदय के लिए भी यह हितकारी है, दिल को ताकत देता है और मैदे पर जो फालतू चर्बी बढ़ी हुई है उसको भी घटा देता है। मल को शुद्धिकारक करता है, मल ठीक ठाक आने लगता है, पाखाना खुलकर आने लगता है, भूख भी बढ़ने लगती है और आम तौर से सभी रोगों का शमन करने वाली यह श्रेष्ठ औषधि है। यह प्रत्येक घर में रखे जाने वाला रोग योग है। और इसका जो गुण है ये यथानम तथा गुण वाली श्रेष्ठ आयुर्वेदिक औषधि है जिसका सेवन किसी भी ऋतु में आप कर सकते हैं। किसी भी आयु वाले रोगी इसका उपयोग कर सकते हैं। जिनका व्याधियों को दूर करने के लिए, चाहे जिसमें कुछ कोई भी व्याधि हो, उन सभी को दूर करने के लिए भी ये बहुत ही निरापद रूप से कार्य करती है। इसका सेवन स्वास्थ्य लाभ के लिए बहुत ही अच्छा है। ये है आरोग्य चूर्ण, हम घर पर ही बनाया हुआ उपयोग करते हैं, आप भी बनाइए। इसके हमने पूरी तरीकाकार बता दिया है, आप भी बनाइए और फायदा उठाइए। अतः आपसे हमारा विनम्र निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे दूसरों का भी फायदा हो। तो दोस्तों इसी के साथ हम चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, आदाब, सलाम।